ना इंसान की और ना ही किसान की, ये जीत है तो लोकतंत्र के मान की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई कि उनके द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को आज वापस लेने का फैसला लिया गया है। क्या इस वापस लेने का फैसला बीजेपी की हार हुई या मोदी गवर्नमेंट की हार हुई या किसानों को जीत हुई? कौन जीता कौन हारा, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज मेरा विश्वास फिर से बढ़ गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे पावरफुल किताब, आज हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिला है। आज फिर से हमने गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों को फिर से जागृत होते देखा है। क्यों? आज के दिन विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी भारत और उसमें शासन करने वाली सबसे मजबूत सरकार ने किसानों की बात मान ली है, उसे किसानों के आगे झुकना पड़ रहा है, उसने अपने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। तो क्या इसमें बीजेपी की हार हुई या किसानों की जीत हुई? मुझे तो लगता है यहाँ लोकतंत्र की जीत हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 2020 में 3 कृषि कानून लाए। इन कृषि कानून को लाने के बाद किसानों ने समझा कि उनसे उनका हक छीना जाएगा, उन्हें उनका फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा और व्यापारी लोग उनसे उनका हक मार लेंगे। तब किसानों और किसान संगठनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक शांतिप्रिय गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाए। उन्होंने उनकी मांग रखी कि इन कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। तभी से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के कुछ दिनों बाद सरकार ने अपनी उनसे बात करना चाहा। सरकार चाहती थी कि इन कृषि कानून के जितने भी प्रावधान हैं उनको हटा दिया जाएगा, जो प्रावधान जिन पे ऐतराज है किसानों को उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने तब भी नहीं माने। उन्होंने सोचा कि इससे हमारा हक छीना जा रहा है। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, आप इसे कृषि कानून को वापस लीजिए। तब से उन्होंने आज तक लगातार आंदोलन का सहारा लिया, शांतिप्रिय रूप से सहारा लिया। इसमें कुछ लोगों को अपना बलिदान भी देना पड़ा, कुछ वजह से, ठंड की वजह से, और वहां पे सिंधु बॉर्डर और टीकरे में उन्होंने प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे कुछ झड़प सी भी हुई। तो इन सभी के साथ साथ उन्होंने अपना शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन शुरू करते गए। उन्होंने आखिरी तक निभाया अपना साथ और अभी भी निभा रहे हैं। वहां के किसान संगठन के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून को संसद में वापस करने के लिए नहीं लाया जाएगा तब तक वो नहीं हटेंगे। इसी अड़क भावना से उन्होंने अपना आंदोलन को जारी रखा और जारी रखने के आज दिनांक तक प्रधानमंत्री जी की घोषणा की गई कि इन कृषि कानून को वापस ले लिया जाएगा। तो ये उनकी सच्ची अड़क विश्वास ही दिलाता है कि कैसे सरकार के सामने अपनी बात रखा जाए और उन्हें अपनी बात मनवाया जाए। ये ही लोकतंत्र की सच्ची जीत है हमारे लिए। कुछ ज्ञानी लोग इसे बीजेपी की हार और विपक्षी पार्टियों की जीत बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये डेमोक्रेसी की जीत है। यहाँ जनता की जीत है। यहाँ पर जनता को अपनी ताकत का एहसास होता है। सरकार से किस तरीके से लड़ा जाता है, किस तरीके से अपनी बात को मनवाया जाता है, उसकी जीत है ये। और इसी जीत या इस घटना से हमें भी सीखना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र को जानना और उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना कि अपने अधिकार कैसे हैं, किस तरीके से हम वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं सरकार से या किसी और से लड़ सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें अपनी ताकत का एहसास होगा। हम अवेयर होंगे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति कि संविधान का पालन करते हुए कैसे लड़ा जाता है, कैसे अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ जाता है। इससे पहले मैं सरकार से नाराज था, लेकिन अब खुश हूं मैं कि भारत सरकार ने कृषि कानून वापस लिया। खुश हूं मैं कि भारत में जनता का शासन है। खुश हूं मैं कि गांधी जी के विचारों में अमल और अंबेडकर जी की किताब का मान रखा जाता है। खुश हूं मैं कि हमारे अन्नदाता खुश होंगे और खुश हूं मैं कि भारत में लोकतंत्र की फिर से जीत। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय किसान लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।